जैसे कि दोस्तों सीसी के अंदर आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है। इसका बेनिफिट हमें इस तरह से मिल जाता है, जैसे कि 110 की मशीन है, सारी मशीन 100% पावर कंज्यूम करती है, लेकिन इस मशीन को आप 6 अलग अलग मोड के अंदर यूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। सपोज आउटसाइड का टेम्परेचर ज्यादा है तो इस एसी की टनेज को आप बढ़ा भी सकते हैं, 120% पे एसी की टनेज को यूज कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी भी 120% के हिसाब से मिलती है, यानी कि 4080 वॉट के अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी इसकी मिल जाएगी 120% पर। यानी कि 110 की मशीन को आपको 1.2 टन, 0.8 टन, 0.7 टन के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं 6 अलग अलग मोड के अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए गया हूं कैरियर कंपनी का 1 टन 3 स्टार के अंदर न्यूली लॉन्च स्प्लिट एयर कंडीशनर, जो कि 1 टन 3 स्टार एटी के साथ में दोस्तों रहने वाला है। ये न्यू सीरीज वाला दोस्तों एयर कंडीशनर रहने वाला है, जो कि एक्सेल सीरीज के साथ में रहने वाला है। ये 2024 का लेटेस्ट वाला दोस्तों सीरीज रहने वाली है, ये एक्सेल सीरीज के साथ में रहेगा। जो पहले आती थी दोस्तों बिल्कुल प्लेन आता था इस तरह का मॉडल, लेकिन इसके अंदर अब जो लेटेस्ट कंपनी ने दिया है वो 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड कर दिया है, थोड़ा लुकिंग डिफरेंट कर दिया है। यानी कि दोस्तों जब कंपनी चेंज करती है कुछ ना कुछ डिफरेंट लगे देती है, तो सेम इसके अंदर भी आप देखेंगे सामने से ही एक आपको लुक मिल जाता है। इसके अंदर ही आपको दो मॉडल मिल जाते हैं, जो सामने की तरफ आपको ये एक्सेल नजर आ रहा है ना दोस्तों बना हुआ, इसके अंदर लाइटिंग भी है और एक आता है नॉर्मल वाला। तो जो आज की वीडियो नॉर्मल वाले के ऊपर रहने वाली है, जो लाइटिंग वाला मॉडल होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह का डिजाइन आता है दोस्तों उसका, वो कुछ इस तरह का नजर आ जाता है। तो एक्सेल सीरीज का जो एयर कंडीशनर है लेटेस्ट वाला मॉडल रहेगा। इस एयर कंडीशनर की जो कूलिंग कैपेसिटी है दोस्तों वो बाकी सभी से काफी ज्यादा मिलेगी। जैसे मार्केट में आपको 110 के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वोल्टास है, लॉयड है, हिटैची है, और भी बहुत सारे आपको ब्रांड मिल जाते हैं, लेकिन उन सभी से इसके अंदर बेस्ट क्या चीज है आज मैं आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। साथ ही बताऊंगा कि ये जो एयर कंडीशनर है और किसी अदर ब्रांड से क्यों बेस्ट है, और इसके अंदर क्या 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड का बेनिफिट होता है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए बेस्ट एसी जरूर ले पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 110 का एसी होता है कितने बड़े रूम के लिए दोस्तों सफिशियंट होता है। तो दोस्तों 110 का जो एसी होता है उस एसी को आप अपटू 120 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको कूलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सभी एसी के अंदर एक कूलिंग कैपेसिटी होती है कि जो 110 का एसी होगा वो कितनी कूलिंग करके देगा। जब कोई एसी हम परचेज करते हैं तो उसका जो स्टार रेटिंग होता है उसके ऊपर उसकी कूलिंग कैपेसिटी दोस्तों मेंशन होती है। तो अदर ब्रांड की जो कूलिंग कैपेसिटी आपको मिल जाती है वो 3200 और मैक्सिमम 3300 वॉट के अंदर मिलती है, लेकिन ये जो 110 का एसी है इसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको 3450 वॉट के साथ में आपको मिल जाती है 100% पर। और कन्वर्टेबल मोड का आपको यही बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलता है। इस एसी की 120% की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको दोस्तों 4080 वॉट के अंदर आपको मिल जाती है, जो कि मार्केट में सबसे अलग बनाती है इस एसी को। ये इस एसी का मेन और बेस्ट आपको पार्ट मिल जाता है, मेन चीज आपको कूलिंग कैपेसिटी। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा दोस्तों हाई टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के अंदर कोई भी एसी दोस्तों काम नहीं कर रहा है, कूलिंग आपको अच्छे से नहीं मिल पा रही है, तो वही चीज इसके अंदर आपको बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आप अगर सेम रूम के अंदर आप दो एसी लगा के देखेंगे, यानी कि आप बराबर बराबर रूम के अंदर दो एसी लगाते हैं, एक ये और एक अदर ब्रांड का, तो इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। बात करते हैं इस एसी के बारे में, तो 12K XLH EXI मॉडल मिल जाएगा, जो कि 100% कॉपर के साथ रहेगा, R32 गैस के साथ में रहता है। 100% कॉपर के साथ साथ दोस्तों कंपनी इसके अंदर हाइड्रोब्लू फिन की कोटिंग देती है आपको करके, जिसमें आपको जैसे गैस लीकेज से जो प्रॉब्लम आती थी वो नहीं आएगी। इस एसी के अंदर आपको हिडन डिस्प्ले मिल जाती है, जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ टाइम टेम्परेचर शो हो जाता है और स्मार्ट डायग्नोसिस के साथ मिल जाता है। इनकेस इंडोर टू आउटडोर तक कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक एरर कोड बना हुआ आ जाता है, जब आप कंपनी में कॉल करते हैं तो आपको सेम प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ही कंपनी से जो इंजीनियर आता है वो विजिट करते हैं, इसमें आपको फास्ट आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसके अंदर काफी अच्छे बेनिफिट मिल जाएगा, ये आपको हिटैची के अंदर नहीं मिलेगा दोस्तों, और डेक्कन के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, तो स्मार्ट डायग्नोसिस फंक्शन के साथ में मिल जाएगा। मशीन काफी बड़ी रहेगी, बड़ी होने का दोस्तों फायदा होता है कि इसका ब्लोअर का साइज भी आपको बड़ा मिल जाता है, जो आपके रूम के टेम्परेचर को बहुत जल्दी मेंटेन कर लेगा, क्योंकि इसका ब्लोअर का साइज बड़ा है तो एयर थ्रो इसके अंदर आपको फास्ट मिल जाता है दोस्तों। साथ ही एसी के अंदर 2-way स्विंग मिल जाएगा, अप एंड डाउन आप इसके अंदर कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही हम बात करते हैं और भी एसी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की हम बात करते हैं तो 694 ये यूनिट कंज्यूम करता है पूरे सीजन के अंदर। सीजन मीन्स की अगर हम डेली 8 घंटे यूज करते हैं दोस्तों तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है। सीजन होता है हमारा 6 से 8 महीने का, तो टोटल इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा। वेरिएबल स्पीड पर दोस्तों ये काम करता है,
और ये कंपनी जो होती है दोस्तों सारी की सारी टेस्ट करके देती है 1600 घंटे के ऊपर, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना चाहते हैं तो 1600 घंटे में इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा दोस्तों इतने यूनिट। अगर आप पर आवर का पर डे का यूज निकालना चाहते हैं तो आप वो भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। साथ ही हम बात करते हैं एक्सेल सीरीज के अंदर आपको ना सारे मॉडल सारे टनेज मिल जाती है, जैसे कि तो 1 टन है, 1 टन के बाद आपको 1.5 टन है, 2 टन है, नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर, आपको सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी। इसमें कंपनी की 2024 के लेटेस्ट वाले ये सीरीज रहने वाली है जो कि एक्सेल सीरीज है, एक्सेल लूमो, एक्सेल स्ट्रीम, एज, इसमें आपको 3-4 सीरीज मिल जाएंगी। तो आज का जो ये मॉडल है दोस्तों वो 12K एक्सेल एज EXI मॉडल रहेगा, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी और परफॉर्मेंस आपको अदर से काफी अच्छी आपको मिल जाती है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इसी के अंदर आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है। इसका बेनिफिट हमें इस तरह से मिल जाता है, जैसे कि 110 की मशीन है, सारी मशीन 100% पावर कंज्यूम करती है, लेकिन इस मशीन को आप 6 अलग अलग मोड के अंदर यूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। सपोज आउटसाइड का टेम्परेचर ज्यादा है तो इस एसी की टनेज को आप बढ़ा भी सकते हैं, 120% पे इस एसी की टनेज को यूज कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको कूलिंग कैपेसिटी भी 120% के हिसाब से मिलती है, यानी कि 4080 वॉट के अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी इसकी मिल जाएगी 120% पर। यानी कि 110 की मशीन को आपको 1.2 टन, 0.8 टन, 0.7 टन के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं 6 अलग अलग मोड के अंदर। साथ ही एसी जो है ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है दोस्तों, यानी कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जो एसी होता है हमारे रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। नॉइस लेवल इसके अंदर आपको कम देखने के लिए मिलता है और आपको ना लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बचा के दे देता है। एसी के अंदर इंस्टाकूल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जैसे गर्मी के सीजन में बाहर से आते हैं तो स्टैंड फैन या कूलर चालू करते हैं जिससे हमें गर्मी से राहत मिलती है, वैसे ही एसी के अंदर भी आपको इंस्टाकूल टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसमें आपको टर्बो मोड मिल जाता है, इंस्टेंट ये कूलिंग चालू आपको करके दे देता है जिसमें आपको कूलिंग बहुत ही अच्छी मिल जाती है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसका जो कंप्रेसर है हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी के साथ है जो कि 55 डिग्री पर टेस्टेड है। नॉर्मल एसी जो होते हैं दोस्तों 52 डिग्री टेस्टेड होते हैं, लेकिन ये आपको ना 55 डिग्री पर टेस्टेड मिलेगा, जिसमें आपको अगर आउटसाइड का टेम्परेचर 43-44 हो जाता है तब भी 100% आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे आजकल टेम्परेचर आप देख रहे हैं बाहर का 47-48 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों, तो इस कंडीशन में कोई भी एसी दोस्तों आपको कूलिंग प्रॉपर नहीं दे रहा है, लेकिन इस कंडीशन में भी एसी आपको प्रॉपरली कूलिंग प्रोवाइड करेगा। उसमें कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि इसका जो आउटडोर यूनिट है उसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है दोस्तों कि उसकी जो पीसीबी है वहां पे कंपनी ने एक हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी दे रखी है, उसमें होल दे रखे हैं काफी सारे जिससे कि पीसीबी ना ठंडी होती रहती, हीट एक्सचेंजिंग फास्ट होगी तो पीसीबी ठंडी जरूर बहुत जल्दी होगी और आपको एयर डिलीवरी काफी फास्ट मिलेगी, यानी कि कूलिंग बहुत ही जल्दी मिल जाती है इस एसी के अंदर दोस्तों। साथ ही इसके अंदर एयर डिलीवरी की बात हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर तो ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी है तो इसके अंदर ना आपको स्टेबलाइजर लगाने की नीड नहीं है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन रहता है, ऑटो रीस्टार्ट फंक्शन के साथ में हमें मिल जाता है दोस्तों ये एयर कंडीशनर। साथ ही इसका जो रिमोट रहेगा वो एलसीडी रिमोट रहेगा, डिस्प्ले के साथ में रहेगा, उसके अंदर आपको टाइम टेम्परेचर सारी चीजें शो होती रहती है। फैन स्पीड को आप कंट्रोल करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों इस एसी के अंदर। तो ये आ जाता है 1 टन का कैरियर कंपनी का स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आपको मिल जाता है। बात करते हैं इसमें वारंटी की, तो इसमें आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल जाती है, 5 ईयर की पीसीबी की दोस्तों और 10 ईयर की मिल जाती है दोस्तों इसमें आपको कंप्रेसर की वारंटी। और दोस्तों कंपनी ने भी जो एडिशनल और भी वारंटी दे रखी है, इसमें 5 साल की कंपोनेंट्स की भी आपको वारंटी मिल जाती है दोस्तों, जिसमें आपके ऑल पार्ट्स भी आपको कवर मिल जाते हैं। टर्म एंड कंडीशन ये कि दोस्तों कंपनी से इंस्टॉलेशन होना मैंडेटरी है दोस्तों। साथ ही हम बात करते हैं और भी सीसी के अंदर, तो इसमें आपको 10 फीट का कॉपर पाइप इसके साथ में इंक्लूड मिल जाता है। ऑफर्स की बात करते हैं और प्राइसिंग की बात करते हैं, तो ये वाला 110 का जो एसी रहेगा एक्सेल सीरीज का आफ्टर डिस्काउंट ये वाला आपको 32,000 का मिलने वाला है दोस्तों, और अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इसमें अप टू 2,000 तक का इंस्टेंट आपको कैशबैक मिल जाएगा और इजी ईएमआई का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। और अगर आप पेपर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो हमारे पास ऑल बैंक के फाइनेंसर्स अवेलेबल हैं, जिससे आप उससे फाइनेंस भी आप करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।